हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आरव चौधरी व्लॉग्स। पानी की आवाज़ आ रही होगी, ये हमारे सामने नदी जा रही है, पार्वती नदी है ये। और अभी हम कसोल में रुके हैं, अभी मणिकरण जाएंगे। अभी नहा धोकर हो गए हैं तैयार, फैमिली अभी तैयार हो रही है। ऊपर आता ना यार, थोड़ा सा सांस चढ़ रहा है। 5 मंजिला नीचे देखो, एक तो गाड़ी हमारी वो खड़ी और एक वो खड़ी सामने क्रेटा। भाई मौसम तो बहुत बढ़िया है, धूप निकल गई देखो, ऊपर नीचे तक नहीं आई अभी। तो चलेंगे नहा धोकर, तैयार हो गए, जैकेट वैकेट नहीं पहनी यार, इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं, मुझे तो नहीं लग रही। बाकी के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मुझे तो अभी फ़िलहाल नहीं लग रही। और देखो धूप भी आ जाएगी तो इस वजह से फिर कहाँ ही लगेगी ठंड इतनी। तो निकलते हैं अभी हम यहाँ से। गाड़ी पर कपड़ा मार दिया है, सनरूफ मार दिया, ऊपर शीशों वगैरह मार दिया है। और अब इंदौर घूमने आए हैं तो गाड़ी गंदी भी तो लगनी चाहिए। मैं ब्लैक ब्लैक और ये सारे में वाइट वाइट होता, सब ब्लैक वाले पार्टीशन पर मार दिया मैंने। और चलो बैग वैग पैक सब रख दिए हैं और अब निकलते हैं यहाँ से। 11 डिग्री टेम्परेचर दिखा रहा है यहाँ पे। ब्रेक दबा के गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हो गई, थोड़ी देर गर्म छोड़ देंगे यार। कपड़ा वगैरह तो हमने मार ही दिया था, साफ कर दिया था सब कुछ। चल रही है जैकेट अपनी, इसको देखेंगे, ठंड लगेगी तो भाई पहन लेंगे, नहीं लगेगी तो नहीं पहनेंगे। बाल पता नहीं यार कैसे हो रहे हैं यहाँ पे, तो समझ ही नहीं आ रहा, सेट ही नहीं होते बाल, ऐसे ही रहते हैं पता नहीं। चलो कोई बात नहीं, गाड़ी स्टार्ट कर ली है हमने। यार ये ना, एक तो ये परेशान करता है मुझे, इसे टाइट करूंगा। तुम्हारा भाई नहा धोकर हो गया रेडी, कमेंट करके जरूर बता देना तुम्हारा भाई लक कैसा रहा है, ठीक है। और अब टाइम आ गया है, गाड़ी स्टार्ट कर ली है निकालने का, क्योंकि हमारी तो खड़ी थी अंदर और मामी खड़ी है पीछे की तरफ, तो इस वजह से गाड़ी स्टार्ट कर लेते हैं यार थोड़ी सी, फिर उसके बाद निकल जाएंगे। तो यार ये बालों ने परेशान कर दिया हमने तो भाई। हो जाएंगे सेट अपने आप, चलो कोई बात नहीं। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यार, मस्त एकदम। हमें तो यहाँ मनाली से ज्यादा ठंड यहाँ पे लग रही है कसोल में। क्यों लग रही है, उसकी भी वजह, एक वजह ये है कि साइड में पार्वती नदी बह रही है, तो इस वजह से ना यार पानी हो आसपास ज्यादा, चलता फिरता पानी हो तो ठंड, नदी वगैरह हो तो ठंड तो लगती है। और अपना एक चौकोस पीते हैं, चौको लाए थे हम, क्रीम बेल पीते हैं। वाह भाई वाह, मजा आ गया, मजा सच्ची। ठंड ऊपर से ठंडा ठंडा मिल्क चोको, और मजा ही ना आए तो फिर क्या है। वही बात है ना, जिंदगी में मजे नहीं लिया तो क्या लिया फिर। चलो अब चलते हैं, गाइस निकल गए हैं मणिकरण के लिए और जा रहे हैं। धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी, 12 डिग्री हो गया टेम्परेचर। अब जैसे जैसे धूप निकलती रहेगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, मतलब ठंड कम होती रहेगी। भाई मणिकरण पहुंच गए हैं और अब यहाँ से उतराई कर रहे हैं पार्किंग के लिए। धीरे धीरे उतारनी पड़ेगी भाई, बहुत ही ज़्यादा तकड़ी उतराई है। कैमरा चला रखा है हमने तो देखने के लिए। तो भाई डर सा भी लगता है उतराई पे, तो बाइक आ रही हैं, बाइक वाले भाई निकल जाएं उसके बाद हम निकाल लेंगे। बहुत बाइक आ रही है भाई, देख रहे हो एकदम उबलता हुआ धुआं, पानी और धुआं निकल रहा। देखो पहुंच गए अब लाइन में खड़े हैं यार, भीड़ बहुत है, मतलब अभी तो देखते हैं। हम तो पार्किंग के लिए जा रहे हैं, ऊपर पार्किंग ये रही सामने। और मैं आपको एक बात और बताऊं, जो मैंने फर्स्ट व्लॉग बनाया था वो मैंने मणिकरण से ही स्टार्ट करा था, और आज हम दोबारा बाबा जी के दर्शन करने आ गए हैं। देखो भाई भीड़ देख रहे हो, पार्किंग की इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा। ये सामने हमारी क्रेटा जा रही है, और मतलब छोटा सा रास्ता है यार, मतलब निकालने के लिए। अब देखते हैं यार, हमारी तो बड़ी गाड़ी है एक्सयूवी, कैसे जाते हैं अंदर। जाएंगे ही जैसे जैसा सब जा रहे हैं वैसे ही हम भी जाएंगे। वो आगे स्कॉर्पियो चली गई ब्लैक वाली,
तो भैया हमारी भी चली जाएगी, क्या दिक्कत है। देख रहे हो भाई साहब, मतलब कितनी भीड़ है भाई, हॉर्न पा 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 बजाए जा रहे हैं भाई साहब, बहुत तगड़ी भीड़ है। मतलब बाइक ज्यादा है यार इस बार ना, जब हम पिछली बार आए थे जब इतनी बाइक नहीं थी, इस टाइम बाइक पे भी पब्लिक बहुत आ रही है यार। अभी तो इससे भी ऊपर जाना है यार, और इतनी बड़ी गाड़ी क्या करें भाई, निकलनी ना मुश्किल हो जाती है। सरकार ऊपर मिल गई पार्किंग, और अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ, ਸਾਡੇ ਮੈਟਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਲੱਸ ਬੱਲੀਏ, ਕਰਦਾ ਤੰਗ ਕਿਹੜਾ ਦੱਸ ਬੱਲੀਏ।